एक्ट्स एज एन एग्रीगेटर या फिर एक्ट एज ए लेयर जो बाकी क्लाउड प्रोवाइडर्स के ए पी एस के साथ वर्क करता है एंड हेल्प यू टू डिप्लॉय योर कोड ओके सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव सपोर्ट फॉर ए डब्ल्यू एस डिजिटल ओशन वर्ल्चर लेनोड जितने भी और क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं तो वह सब इसमें सपोर्टेड है सो so हम क्या करेंगे हम एक बहुत ही प्यारा सा नोट जैस एप्लीकेशन बनाएंगे एंड फिर स्टेप बाई स्टेप देखेंगे दैट किस तरह से आई कैन होस्ट इट आई कैन स्केल इट एंड आई कैन यूज रेडिस ऑन दिस क्लाउड वेज बाई डिजिटल ओशन सो विदार्ट विदीडियो पहले हम थोड़ी सी कोडिंग कर लेते हैं राइट सो वॉट आई विल डू इज आल जस्ट डू एन एन पी एम इनट सो इससे क्या होगा इससे आई विल हैव अस प्रोजेक्ट राइट एन पी एम इनट यस 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 मतलब मैं हाइफ वाई भी यूज कर सकता था बट ठीक है लेट्स गो दी लॉन्गर वे एंड फिर हम यहाँ पर करेंगे कुछ चीजें इंस्टॉल सो so पहली चीज मेरी फेवरेट दैट इज एक्सप्रेस सो एक्सप्रेस को हम यहाँ पर कर लेते हैं इंस्टॉल एंड एक्सप्रेस हमारी हो चुकी है इंस्टॉल सो यू कैन सी दैट वी गॉट एक्सप्रेस हेयर अब हम करेंगे इंडेक्स डॉट जी एस वाइल बनाएंगे एंड लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट सो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ पर एक लेट्स पहले हम एक्सप्रेस को हम कर लेते हैं रिक्वायर ठीक है सो so, ये आ गया हमारा एक्सप्रेस फिर हम बना लेंगे एक एप्लीकेशन एक्सप्रेस का राइट सो so, ये हमारा बन गया एप्लीकेशन एंड फिर हम एक पोर्ट डिफाइन कर लेते हैं कि भाई अगर तो प्रोसेस के अंदर जो ई एन वी है अगर उसके अंदर पोर्ट अवेलेबल है तो तुम उसको यूज़ करो एल्स जस्ट फॉल बैक टू लेट से पोर्ट नंबर थ्री थाउजेंड ठीक है देन हम क्या कर सकते हैं लेट सेटअप ऐप डॉट एक गेट राउट बनाते हैं दैट इज़ स्लैश सो अभी फ़िलहाल हम एक ही राउट बना लेते हैं दैट इज़ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड इसके अंदर हम रिटर्न कर सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखूंगा मैसेज दैट इज़ हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस सर्वर ठीक है एंड 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 आई लव टू यूज ए मोजिज इन माई कोड आई डोंट नो भाई मेरे को ये नई आदत लगी है सो so, हमने लिखा एक्सप्रेस ठीक है तो ये हो गया फिर हम करते हैं आप डॉट लेसन हमारे अपने सर्वर को रन भी तो करना है सो so, यहाँ पर हम डाल देंगे पोर्ट एंड देन एक सक्सेस कॉल बैक विच विल से कॉन्सोल डॉट लॉग दैट सर्वर इज रनिंग ऑन Uh, हमारा कौन सा पोर्ट है पोर्ट एंड हम यहाँ पे लिख देंगे पोर्ट सो दिस इज हाउ आई हैव सेट अप माई सिंपल सा एक एक्सप्रेस का सर्वर राइट right? हो गया डन बहुत बढ़िया अब हमें क्या करना है अब हमें uh, इसको डिप्लॉय करना है लेट्स से ठीक है हम धीरे धीरे इसके अंदर फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं बट ठीक है लेट्स से दैट आई वांट टू डिप्लॉय दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन सो so, पहले इसको रन करके देख लेते हैं दैट इफ एवरीथिंग इज फाइन तो उसके लिए हम एक स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं दैट इज अ स्टार्ट स्क्रिप्ट बना लेते हैं या फिर एक डेव स्क्रिप्ट बना सकते हैं लेट्स क्रिएट अ डेव स्क्रिप्ट नो सो डेव स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करेगी नोड ओके सॉरी नोड हाइफन हाइफन वॉच ओके हाइफन हाइफन वॉच एंड मुझे इंडेक्स ऑट जी को वॉच करना है सो so, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ npm run dev यू कैन सी इट्स रनिंग फाइन सो एक बार रन करके देखें लोकल होस्ट 3000 एंड एंटर सो यू कैन सी दैट आई एम गेटिंग हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस सर्वर बहुत ही बढ़िया नाइस Cool. अब मुझे क्या करना है मुझे एप्लीकेशन को करना है डिप्लॉय सो so, उसके लिए मेरे को एक न्यू गिटहब रेपिटिव बनानी है राइट सो एक न्यू गिटहब रेपिटिव बनाते हैं सो लेट्स गो ऑन टू एंड क्रिएट अ न्यू सो इस रेपिटरी को हम एक नेम दे सकते हैं दैट दैटलेट से ये मेरा क्या है अ सिंपल एक्सप्रेस ऐप फॉर क्लाउडवेज ठीक है तो ये मैंने इसको दिया नेम एंड इसको हम एक प्राइवेट रिपोजिटिव बना लेते हैं नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग ये मेरी गिट के अंदर एक प्राइवेट रिपोजिट्री है लेट सी दैट ये वहां पर कैसे जाएगा ठीक है so, तो एक प्राइवेट रिपोजिटरी एंड हम इसको कर लेते हैं क्रिएट सो यू कैन सी दैट हमारी प्राइवेट रिपोजिटरी हो चुकी है सेटअप एंड मैंने अपनी एस एस एच कीज को भी कर रखा है कन्फिगर सो वट आई हैव टू डू डोज मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर कमांड को करूँगा कॉपी ठीक है एंड हम वापस चलते हैं तो पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं गेट इन इट डन उसके बाद हम कर लेते हैं हमें नोड मॉड्यूल्स को गिट इग्नोर में डालना है राइट right? सो so, उस पर्टिकुलर चीज के लिए आई हैव अ कमांड दैट इज

ठीक है यह हो गया हमारा इनिशियल कमिट फिर हम वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं कमांड जो हमने यहाँ से कॉपी की थी ना एंड फाइनली हम इसको पुश कर देंगे हमारी मेन ब्रांच के ऊपर सो एंटर करते हैं एंड लेट्स वेट फॉर अ वाइल एंड डन अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे यू कैन सी दैट ये हमारी फाइल्स आ चुकी हैं इंडेक्स ऑट जेस एंड नोड मॉड्यूल्स यहाँ पर नहीं आया बिकॉज यू शुड नॉट पुश योर नोड मॉड्यूल्स ऑन दी गेटअप राइट नाइस अब हमें क्या करना है अब लेट्स सी दैट हाउ क्लाउड वेज कैन हेल्प मी टू स्केल एंड अपॉट दिस एप्लीकेशन सो क्लाउड वेज के अंदर हमें क्या करना है हमें पहले एक सर्वर क्रिएट करना होता है यू कैन सी आई ऑलरेडी हैव अ सर्वर बट डोंट वरी मैं आपको दिखाऊंगा सो so, ये सर्वर कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे यू कैन सी दैट वी हैव अ माई सर्वर्स ठीक है एंड यू हैव अ ऐड सर्वर ऑप्शन अगर हम यहाँ पे एक सर्वर को ऐड करने का ट्राई करते हैं तो यहाँ पे आपको जो सर्वर है उसके अंदर क्या इन्वायरमेंट रन करना है तो अगर आपको वर्ड प्रेस रन करना है तो ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगी आपके लिए जितना भी वर्ड प्रेस का कोड है वर्ड प्रेस के प्लग इन्स हैं वो सब प्री इंस्टॉल होंगे वर्ड प्रेस का इन्वायरमेंट ऑलरेडी होगा देन इट इट्स विद वू कॉमर्स देन फिर पी है कस्टम एप्लीकेशन लारवेल है एंड मैगनेटो है एंड मैगनेटो विद इलास्टिक सर्च है सो यू कैन सी दैट वी हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स तो हम यहाँ पे पी को सिलेक्ट कर लेते हैं द रीजन फॉर दैट इज सी हमें एक ऐसी मशीन चाहिए जिसके अंदर नोट इंस्टॉल हो राइट right नाउ अभी यहाँ पर डायरेक्टली नोट जेस का तो नहीं है बट आई एम डूइंग अ कस्टम एप्लीकेशन सो इसमें आई विल हैव दोट जेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ओके सो अपने एप्लीकेशन का आप एक नेम दे सकते हो फॉर एग्जाम्पल लेट से हम इसका नेम देंगे एक्सप्रेस एप्लीकेशन राइट फिर आपको इस सर्वर का क्या नेम देना तो आप यहाँ पे कुछ भी एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन uh, बोल सकते हो तो so, मैं अभी यहाँ पे एप्लीकेशन मैं इस सर्वर को नहीं बनाऊंगा बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ सर्वर रनिंग फिर कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाना दैट्स फाइन नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट क्या आपको डिजिटल ऑप्शन में स्पिन अप करना है क्या आपको वर्ल्चर यूज़ करना है अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या यूज़ करना है क्या आपको लिनोड यूज़ करना है या फिर आपको ए यूज़ करना है या फिर आपको गूगल क्लाउड यूज़ करना है सो यू हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स तो मुझे डिजिटल ऑप्शन यूज करना है एंड लेट्स गो टू द बेयर मिनिमम ठीक है सो बेयर मिनिमम विल कॉस्ट मी एलेवन डॉलर्स अ मंथ विच इज कूल एब्सोल्यूटली कूल राइट सो इलेवन डॉलर्स एंड कौन से रीजन में यू हैव टू डिपॉज दिस एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लॉन्च नाउ ओके तो यहाँ पे एक लॉन्च नाउ का बटन है तो so, जब आप इस सर्वर को लॉन्च कर लोगे वॉट यू विल नोटिस इज दैट यू कैन सी दैट मेरे पास ऑलरेडी एक सर्वर है जो मैंने ट्वेल्थ नवंबर को बनाया था एंड यू कैन सी दैट ये डिजिटल ऑप्शन के ऊपर है सो so, ये इसका पब्लिक आईपी ये उसका यूज़र नेम है ये इसका पासवर्ड है सो so, हम यहाँ से एस कर सकते हैं एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट तो धीरे धीरे हम इन चीज़ों को भी देखेंगे अभी मुझे क्या करना है मुझे मेरे पास अभी एक एप्लीकेशन है तो इस एप्लीकेशन को यू कैन इग्नोर हमें एक एप्लीकेशन ऐड करना है ठीक है सो क्या होता है यू हैव अ सर्वर सर्वर के ऊपर यू कैन हैव मल्टीपल एप्लीकेशंस सो एक एप्लीकेशन बनाते हैं सो so, मेरे सर्वर के ऊपर मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है इस एप्लीकेशन में हम लेट्स हैव दी एच पी और दैट इज कस्टम ऐप एंड इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेस एप्लीकेशन ये हमने नेम दिया एंड एड सो ये क्या करेगा ये मेरे लिए जो हमने अभी सर्वर सेलेक्ट किया था ना उस सर्वर के अंदर जाके तो अभी यू कैन सी दैट इट इज़ एडिंग दैट एप्लीकेशन उस सर्वर के अंदर जाके मेरे लिए पूरा एक इन्वायरमेंट सेटअप कर देगा सो so दैट मैं उस एप्लीकेशन को रन कर पाऊँ सो इट विल टेक सम टाइम सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इट इज़ सेटिंग अप अ लॉट ऑफ थिंग्स प्लस मुझे अब क्या करना है मुझे इस सर्वर को ओके सो देर इज़ एन ऑपरेशन गोइंग ऑन मुझे सर्वर को अपने गिट से भी कनेक्ट करना है बिकॉज इफ़ यू रिम्बर मैंने यहाँ पर एक प्राइवेट रिपोजिट्री बनाया था सो so, ये प्राइवेट रिपोजिट्री का एक्सेस सिर्फ मेरे पास है सो so, मुझे इस सर्वर को एक्सेस देना है मेरे गेट का तो so, वो मैं कैसे कर सकता हूँ यूजिंग एस एस एच की राइट सो हम जाएँगे अपने सेटिंग्स के अंदर एंड सेटिंग्स के अंदर लेट्स गो टू द एस एस एच कीज ठीक है तो ये रहा है एस एस एच कीज सो यहाँ पर लेट्स क्रिएट अ न्यू एस एस एच की ओके सो यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्रिएट अव एस एच की एंड इसको हम बोल सकते हैं क्लाउड वेस एस एस एच ठीक है सो क्लाउड वेज एस एस एच सो लेट्स गो बैक ओके सो यू कैन सी दैट मेरा जो एप्लीकेशन है वो हो चुका है कंप्लीट अब हम जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर एंड दिस इज माई एप्लीकेशन एक्सप्रेस राइट इसके अंदर वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू डिप्लॉयमेंट वी आर गेट यू कैन सी ठीक है सो डिप्लॉयमेंट वी आर गेट एंड इसके अंदर आई आयेल जस्ट से जनरेट एस एस एच कीज तो ये मेरे लिए क्या करेगा एक पब्लिक और एक प्राइवेट एस एस एच की जनरेट करेगा प्राइवेट इज़ फॉर दिस मशीन पब्लिक ये मेरे को देगा सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल एंड देखते हैं दैट इफ इट कैन जनरेट अ पब्लिक की फॉर मी सो या यू कैन सी दैट इट इज़ डन ओके सो अब हमें क्या करना है व्यू एस एस एच कीज सो ये है हमारी एस एस एच कीज को हमें करना है कॉपी ओके सो एस एस एच की को हम कर लेंगे कॉपी एंड यहाँ पर हम करेंगे ऐड एंड यहाँ पर हम करेंगे दैट ये हमारी एस एस एच की एड कर दो सो नाउ इट विल से दैट पास की यूज़ करना है पासवर्ड सो आई वॉन्ट टू यूज़ माई पासवर्ड सो लेट्स जस्ट यूज़ माई पासवर्ड है एंड कन्फर्म सो मेरी एस एस एच की हो चुकी है एड सो इफ आई गो बैक नाउ ठीक है सो दिस इज़ डन अब हमें यहाँ पर गिट का रिमोट एड्रेस डालना है दैट मीन्स uh, हमें क्या करना है लेट्स गो ऑन टू द गिटा बोनली मैंने अभी एक रेपॉजिट्री बनाई है राइट सो आई जस्ट गो इन टू माई रिपोजिट्रीज एंड लेट्स गो इन टू द सिंपल एक्सप्रेस एप्लीकेशन राइट एंड इसके अंदर से आई जस्ट कॉपी दी एस एस एच वाला लिंक तो ये हमने किया कॉपी हमें इसको डिप्लॉय करना है राइट सो जस्ट क्लिक

अगर हम वापस अपनी मशीन में चलते हैं ठीक है तो एक काम करते हैं इसको हम स्टार्ट डिप्लॉयमेंट करते हैं सो एल शो यू इसको याद रखना दट इज अ पब्लिक एच डी मिलते हैं ओके स्टार्ट करते हैं सो वॉट इट विल डू इज़, यू कैन सी द डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस ये मेरे कोड को पुल करेगा इट्स जस्ट अ गिट पुल कमांड ठीक है एंड इसके पास एस 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 फिर ये क्या करेगा एक पब्लिक एच डी एम एल फोल्डर होगा हमारे एप्लीकेशन का जिसके अंदर ही सारा कोड को कॉपी कर देगा सो लेट मी शो यू अगर हम अपने सर्वर पे चलते हैं ठीक है सर्वर के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं एस 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 टर्मिनल तो ये क्या करेगा हमारे ब्राउजर के अंदर एक टर्मिनल टर्मिनल्स अप करेगा ठीक है सो वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल सो यू कैन सी दैट इट्स अ शेल इन बॉक्स ठीक है एंड अगर आपको क्रोम की तरफ से कुछ एरर आता है ना कि इट्स नॉट अ सिक्योर थिंग या कुछ बिकॉज आप आई पी एड्रेस के ऊपर एक्सेस कर रहे हो सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन प्रोसीड ओके सो यहाँ पे एक प्रोसीड का बटन आता है सो ना वट आई हैव टू ड आई हैव टू गिव माई लॉग इन तो पियूष गर्ग मेरा लॉग इन है ओके एंड देन आई हैव टू कॉपी माई पासवर्ड एंड एंटर एंड एंटर सो यू कैन सी दट मैंने एस एस एच कर लिया अपने मशीन के अंदर अगर हम यहाँ पर एल एस करते हैं ठीक है यू कैन सी एल एस के अंदर आई एम गेटिंग एप्लीकेशंस ठीक है सी डी करते हैं हम अपने एप्लीकेशन के अंदर एंड एल एस करते हैं एल एस करने पर आई एम गेटिंग टू थिंग्स मेरे पास टू डिफरेंट आई डीज़ हैं वाई इज़ इट सो सो वॉट इज मेरे पास अभी इस टाइम पर कितने एप्लीकेशन है मेरे पास यहाँ पर दो एप्लीकेशन्स है ये दोनों एप्लीकेशन्स का अपना अपना एक फोल्डर है सो लेट एस सी दैट हमारा जो ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन है इसकी आई क्या है राइट right? सो so, अगर आप देखोगे इसकी आई डी जी बी समथिंग है राइट right? जी बी के सी सो यू कैन सी दैट सेम पर्टिकुलर आई डी इज हेअ सो आई हैव टू गो इन टू दिस जी वाला फोल्डर एंड जैसे मैं यहाँ पे एल एस करूँगा वॉट यू कैन सीज़ यहाँ पर हमारे पास ये पब्लिक एच डी एम एल फोल्डर है राइट right? यही तो हमें चाहिए था सो सी डी करते हैं हम अपने पब्लिक एच डी एम एल फोल्डर के अंदर सो पब्लिक एच डी एम एल के अंदर एंड यहाँ पे हम करेंगे एल एस सो एल एस करने से यू कैन सी दैट मेरा यहाँ पर जो कोड है दैट इज़ एयर इंडेक्स डॉट जी एस फाइल यहाँ पर है पैकेज uh, लॉग यहाँ पर है पैकेज जेसन यहाँ पर है तो कैट करके देख लेते हैं क्या ये हमारा ही कोड है सो इंडेक्स डॉट जी एस आई मीन सो कैट करोगे यू कैन सी दैट ये हमारा ही कोड है अब हमें क्या करना है हमें इसको रन करना है नाउ हेयर इज़ द चैलेंज क्लियर करते हैं एक बार हम अपने कॉन्सोल को देखो रन करना इज़ वेरी सिंपल मैं यहाँ पे सिर्फ कर सकता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जे एस एंड इट विल रन ठीक है सो ओके एन पी एम इंस्टॉल करना मैं भूल गया एन पी एम इंस्टॉल कर लेना पहले बिकॉज यू नीड एक्सप्रेस का पैकेज सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल डन एंड अब हम यहाँ पे कर सकते हैं एन पी एम स्टार्ट ठीक है आई थिंक नोड इंडेक्स यू कैन सी इट्स रनिंग लेकिन लेकिन नाउ हेयर कम्स इंटरेस्टिंग पार्ट अगर मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ एंड मैं अपने एप्लीकेशन यू को ओपन करता हूँ वॉट यू विल नोटिस इज दैट मेरे पास यहाँ पर स्टिल एक पी एच पी का एप्लीकेशन आ रहा है मेरे पास स्टिल यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट कोड आ रहा है सो so, मुझे क्या करना है आई हैव टू कन्फिगर देअर रिवर्स प्रॉक्सी कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट इस यू पे आती है तो वो थ्री थाउजेंड के ऊपर फॉरवर्ड हो सो so, उसके लिए दे हैव अ वेरी गुड आर्टिकल तो इस आर्टिकल को फॉलो करते हैं बहुत सिंपल स्टेप है हमें यहाँ पर क्या करना है अगर आप यहाँ पर नीचे जाओगे ठीक है तो एवरी इज फाइन ये हमने सब कर लिया दिस इज वॉट वी हैव टू डू ओके दिस इज वॉट वी हैव टू डू हमें यहाँ पर एक फाइल बनानी है दैट इज एच टी एक्सेस ओके सो वी हैव टू क्रिएट दिस फाइल सो यहाँ पे नीचे चलते हैं हम दिस ऑल थिंग इज फाइन सो यहां पर एक फाइल बनाएंगे डॉट एच टी एक्सेस सो फाइल कैसे बना सकते हैं कंट्रोल सी करो ओके okay? यहां पे हम करेंगे टच एंड एच टी एक्सेस नाइस बन गई फाइल अगर आप एल एस करोगे एल एस आई ए करोगे सो यू कैन सी दैट यू कैन सी एच टी एक्सेस फाइल ये रही ओके okay, अब हम क्या कर सकते हैं ठीक है एच टी एक्सेस फाइल बनाया अब मैं एच टी एक्सेस के अंदर हमें ना एक कॉन्फिगरेशन डालनी so, है वी हैव टू ऐड दिस कॉन्फिगरेशन सो ये कॉन्फिगरेशन बहुत सिंपल है सो हम यहाँ पे करेंगे विम ओके डॉट एच टी एक्सेस एंड इसके अंदर इंसर्ट मोड आई दबाकर सो पहली लाइन दैट इज डायरेक्टरी इंडेक्स डिसेबल्ड दिस इज द मेन पार्ट उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे रीडायरेक्ट रीराइट इंजन ऑन ठीक है बहुत बढ़िया फिर हम करेंगे रीराइट बेस दैट इज स्लैश एंड फाइनली हमें कहाँ पर फॉरवर्ड करनी है नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट हमें अपने पोर्ट नंबर थ्री थाउजेंड के ऊपर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है बिकॉज हमारा सर्वर थ्री थाउजेंड के ऊपर रन करता है ठीक है सो थ्री थाउजेंड इज इंपॉर्टेंट पार्ट सो कंट्रोल सी कोलन राइट क्विट एंटर सो नाउ व्हाट यू कैन सीज अगर हम यहाँ पे कैट करते हैं हमारी डॉट एच टी एक्सेस फाइल को तो ये हमारी कॉन्फिग्रेशन है जैसे ही आप ये करोगे नाउ इफ आई डू अ रिफ्रेश लेट्स वेट फॉर अ वाइल ओके सो अब हमने ये तो कर दिया है सो दिस इज़ फाइन दिस इज फाइन अब अगर हम आगे चलते हैं वंस योर एप्लीकेशन इज अवेलेबल वी आर गुड टू गो एंड टेस्ट आर एप्लीकेशन सो हाँ तो अब मैं अपने नोड एप्लीकेशन को रन करूँ सो नोड एंड फिर हम यहाँ पे करेंगे इंडेक्स डॉट जे एस ठीक है इंडेक्स डॉट जे एस एंड एंटर सर्वर इज रनिंग दैट स्कूल रिफ्रेश करके देखें ओके सो इट टुक मी अ वाइल सो कुछ नहीं था इट वॉज जस्ट अ कैशिंग इशू तो मैंने क्या किया मैंने अपने सर्वर को री स्टार्ट कर दिया बस एक बार कैसे मैं गया माई सर्वर्स के अंदर एंड माई सर्वर्स के अंदर जाने से जस्ट वन सेकंड ऑल सर्वर्स सो यहाँ पे मैंने किया रिस्टार्ट दैट्स इट सो री स्टार्ट हुआ इट टुक मी अ वन मिनट एंड नाउ यू कैन सी अगर हम एंटर कर रहे हैं माई एप्लीकेशन इज डिप्लॉइड राइट माई एप्लीकेशन इज डिप्लॉयड अब हमें क्या करना है नाउ देर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम विद दिस डिप्लॉयमेंट अगर मैं यहाँ से एग्जिट आउट करता हूँ तो मेरा सर्वर यहाँ पे बंद हो जाएगा राइट right? सो so, अगर मैंने कंट्रोल से किया सर्वर बंद हो गया एंड नाउ यू कैन सी दैट यू जो सर्वर है ये रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा सो दट इज सम कैशिंग गोइंग ऑन बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द क्लाउड वेज एट्स अ ग्रेट थिंग बट अभी क्या होगा मे बी आफ्टर अ मिनट और सो ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करेगा बिकॉज मैंने सर्वर बंद कर दिया सो so, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम एक्चुअली में पी को कन्फिगर कर सकते हैं पी क्या होता है पी इज़ अ प्रोसेस मैनेजर ठीक है सो पी एम टू को कॉन्फिगर करने के लिए हमारे पास ये सेट ऑफ कमांड्स हैं तो एक काम करते हैं इन कमांड्स को हम रन करते हैं एंड वॉट आई कैन डू मैं यहाँ पर करूँगा एंटर ठीक है सो आई कैन जस्ट डू एंटर सो ओके ओके सो जो भी ये कमांड्स है बस हमें इनको कन्फिगर करना है वी हैव टू जस्ट रन दीज कमांड्स कॉपी पेस्ट गुड उसके बाद हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं हम इसको भी पेस्ट कर देते हैं एंड फिर हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स डू अ पेस्ट कूल लैन लेट्स यू डू एन एन पी एम इंस्टॉल ऑफ पी एम टू सो दिस इज द कमांड दैट इंस्टॉल्स पी एम टू ट फॉर अ वाइल एंड जब यह हो जाएगा उसके बाद वी कैन जस्ट डू अस ऑन बैश आर सी सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल ओके सो नाउ इट्स डन सो सोर्स हमने किया एंड पी एम टू इज नाउ रनिंग सो पी एम टू की चेक करें दैट इज पी एम टू इज रनिंग और नॉट यू कैन सी दैट इज पी एम टू इज रनिंग पी एम टू इज सक्सेसफुल डिमोनाइज सो अब हम क्या कर सकते हैं पी एम टू से हम इस एप्लीकेशन को करेंगे रन ठीक है सो अभी हमारा एप्लीकेशन अभी भी वर्किंग में है दैट्स फाइन सो so, इसको चलाने के लिए वॉट वी कैन डू जब हमारा पी एम टू इज़ वन वंस वर्किंग ना हम बोल सकते हैं भाई एक काम करो पी एम टू भाई ओके okay? सो so, अभी एक सेकेंड वी हैव टू डू अ सी डी हम वापस अपने फोल्डर्स में आ गए थे एप्लीकेशन स्लैश जी से कुछ नेम था राइट एंड इसके अंदर हमें जाना है हमारे पब्लिक फोल्डर के अंदर अब यहाँ पे अगर हम एल करते हैं यू कैन सी हमारे पास एक इंडक्स डॉट जी एस फाइल सो पी एम टू स्टार्ट ओके एंड इंडेक्स डॉट जी एस फाइल देंगे इंडेक्स डॉट जी एस सो पी एम टू उसको बैकग्राउंड में रन करेगा यू कैन सी दैट अब मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ एम ऑनलाइन सो अगर हम यहाँ पे करें पी एम टू स्टार्टज यू कैन सी दैट एक ही एप्लीकेशन इज़ रनिंग दैट इज़ दिस वन एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं पी एम टू लॉग्स टू एक्चुअली सी दी लॉग्स सो यू कैन सी सर्वर इज़ रनिंग सो यू कैन सी दैट माई सर्वर इज़ रनिंग एप्सोल्यूटली फाइन नाउ लेट्स डू वन थिंग हम अपने एप्लीकेशन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं ठीक है सो थ्री थाउजेंड तो ठीक है हेलो फ्रॉम एक्सप्रेस सर्वर वी टू मैंने अपने सर्वर के अंदर कुछ चेंजेस किए सो यहाँ पे हम करेंगे गेट आर डॉट फिर हम करते हैं गेट कमेंट ओके हाई फैन एम दैट दिस इज वी टू ठीक है कुछ भी एक कमेंट डाला एंड हम यहाँ पे कर सकते हैं गेट पुश सो इसको गेट पुश करते हैं लेट्स सी वॉट हैपन्स ठीक है लेट्स सी वॉट हैपन्स सो अगर हम यहाँ पे वापस आएंगे एंड आई डू अ कंट्रोल सी तो क्या हट इंडेक्स डॉट जी एस राइट सो कैट इंडेक्स डॉट जी एस फाइल एंड एंटर सो वट वट यू कैन सी दट ठीक है अभी वो वो डिप्लॉय नहीं हुआ राइट सो कैट इंडक्स डॉट जी एस करो यू कैन सी दट देर इज़ नथिंग नाउ वट आई कैन डू इज़ आई कैन गो बैक टू माई सर्वर ठीक है बिकॉज मेरे पास सॉरी नॉट सर्वर मैं अपने एप्लीकेशन में वापस आऊंगा एक्सप्रेस सर्वर डिप्लॉयमेंट वी आ सो यू कैन सी दट वॉट इज वट इट सीज दट वॉन्स यू है पब्लिक कैन डिपॉजट दिस विल पुल ब्रांचिज ओके दिस विल पुल दी ब्रांचिज टू डिप्लॉय दर्स स्टार्ट ऑन क्लिक डिप्लॉयमेंट सो मुझे बस कहना है मुझे यहाँ पे पुल पे क्लिक करना है एवरी थिंग इज कन्फिगर्ड जस्ट क्लिक ऑन दिस पुल सो ये पुल क्या करेगा वट यू विल नाउ नोटिस इज के अगर मैं यहाँ पे बार बार कैट करता हूँ ना तब तो हमारे पास यहाँ पर वी टू आ जाना चाहिए वी टू आ गया बहुत बढ़िया अब हमें बस करना है पी एम टू री स्टार्ट Okay, PM2 restart all. So PM2 automatically services ko kar dega, restart, and eventually we should get PM2 in a while because there is a caching associated. So thodi mein you will also see that V2 on the start. Ho so now you can see that we are now getting V2. So it takes some time, but now you can see that Hamarpus V2 is coming. So bohoti bada. So this is how you can use CloudWays to actually host and spin up your applications. And best part, is key migration. So what we can do is is under you have a one-click migration. जिससे वॉट यू कैन डू इज हम किसी भी क्लाउड से किसी भी क्लाउड के ऊपर माइग्रेट कर सकते हैं सो बेसिकली क्लाउड विज एक्ट एज अ कॉमन इंटरफेस ऑन ऑल द एप्लीकेशन ऑन दर्वर्स आई शुड से तो जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं आप किसी के ऊपर भी लाइक यू कैन डू अ डिप्लॉय एंड दिस गिव्स यू अ वेरी गुड यू आर आउट ऑफ द बॉक्स सो आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है दिस टॉक्स यू अर क्लाउड प्रोवाइडर एंड यू हैव टू जस्ट डिप्लॉय एप्लीकेशन एंड बेस्ट पार्ट जो मेरे को इसका लगा इवन वेन माई एप्लीकेशन वॉज डाउन जब मैंने अपना खुद का एप्लीकेशन बंद कर दिया था ड्यू टू दियर डिफॉल्ट कैशिंग बिहेवियर मेरा एप्लीकेशन स्टिल एक्सेसिबल था सो जस्ट इमेजिन कि डाउन टाइम कितना कम होगा कि अगर आपका एप्लीकेशन बंद भी हो जाता है क्रैश भी हो जाता है सर्वर स्टिल योर सर्वर इज़ रिस्पॉन्डिंग विद द लास्ट रिस्पॉन्स सो दैट वॉज एन अमेजिंग थिंग सो डू चेक आउट the क्लाउड वेज एंड इसका जो एक लिंक है दैट इज इ डिस्क्रिप्शन सो आप उस लिंक को यूज़ कर सकते हो सो डू चेक आउट द लिंक फॉर दिस क्लाउड वेज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो जिस यू कैन गेट अ डिस्काउंट एंड यू कैन स्टार्ट दि योर साइड प्रोजेक्ट्स ओके सो आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो क्लाउड वेज कैसा लगा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर अंटिल दैन बाय एंड टेक केयर